देपालपुर में पुंजराज पटेल सेवा समिति के माध्यम से 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता की शुरुआत की गई, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के युवा खिलाड़ी पहुंचकर भाग ले रहे हैं। इस कबड्डी प्रतियोगिता की खासियत ये भी है, यहां खेल में जीतने वाले विजेता टीम को प्रथम पुरस्कार 25,000 रुपए एवं द्वितीय पुरस्कार 11,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों और उनकी खेल प्रतिभा को निखारने के लिए क्षेत्र में पहली बार एक अनूठे आयोजन की शुरुआत की गई। यहां कार्यक्रम के आयोजक रामेश्वर गुड्डा पटेल ने मीडिया से चर्चा कर जानकारी देते हुए बताया कि पुंजराज पटेल सेवा समिति के माध्यम से देपालपुर विधानसभा में अलग अलग स्थानों पर कबड्डी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कबड्डी हमारे ग्रामीण क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण खेल है, जिसके माध्यम से शरीर भी स्वस्थ रहता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पे जो कार्यक्रम चालू करा था हमने बेटमा से, बेटमा, हाथोद, गौतमपुरा, उसके बाद देपालपुर में अभी 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। इसमें प्रत्येक गांव से टीम ओन हिस्सा ले रही है इसके अंदर, और जो भी सभी गांव से ही खिलाड़ी है इसके अंदर। आप देख रहे होंगे कि जो भी खिलाड़ी आ रहा, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आ रहा, गांव के खिलाड़ी सब आ रहे हैं इसके अंदर। और जहां इनको इनाम मिलते हैं सर्वमान्य रहेगा, सभी को जो प्रथम आएंगे उनको 25,000 और जो सेकेंड आएंगे उनको 11,000 रुपये। 55 टीम गौतमपुरा में बेटमा के अंदर के अंदर टीम थी और 32 टीम गौतमपुरा के अंदर, और न्याय की 40 टीम अभी हो चुकी है और अभी एंट्री चल रही है पर। न्याय लगभग कम से कम 50 से ऊपर टीम हो सकती है। वहीं पारंपरिक खेल के आयोजन को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये खेल ही देश की पहचान बने रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, देपालपुर।